वेल गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने इंट्रो देखा, इसको बनाना बेहद आसान है। इसके लिए बस आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पहला पिक्सल ऐप, दूसरा काइंडमास्टर। इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। देन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे पिक्सल ऐप का ये एप्लीकेशन ओपन करना है। यहां पे हमें अपने चैनल नेम का एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, देन बाकी का काम हम काइंडमास्टर एप्लीकेशन में करेंगे। सो जैसे ही आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पे आपको न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा, इस पे आपको डबल टैप कर देना है। देन आपको यहां से जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां से डिलीट करने के बाद आपको अपने चैनल का नेम ऐड कर लेना है। यहां से मैं अपने चैनल का नेम ऐड कर लेता हूं। देन यहां डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां ड्रैग करके लाना है और कुछ इस तरीके से करके इसको एक लाइन में कर लेना है। फिर आपको यहां ए वाले आइकन पे क्लिक करके यहां स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां से हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। सो इसके लिए आपको यहां ए बी फॉन्ट करके ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहां नीचे आर्म रेसलर करके एक फॉन्ट मिलेगा, इसको क्लिक करके यहां ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज हमें इसके कलर को चेंज करना है। सो कलर को चेंज करने के लिए सिंपली आपको ऊपर यहां पे कलर का ऑप्शन मिलता है, इसी ए वाले सेक्शन में, इस पे आपको क्लिक करके यहां पे बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। सो यहां से आपको ये स्काई ब्लू कलर मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज हमें इसके पीछे शैडो क्रिएट करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में नीचे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहां से इसे इनेबल कर देना है। फिर आपको यहां से इसके ब्लर रेडियस को 5 कर लेना है और इसका एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट हमें 4 कर लेना है। सो एक्स और वाई ऑफसेट को 4 करने के बाद सिंपली आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। देन हमें इसे थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहां इसे बीचों बीच प्लेस कर देना है। कुछ इस तरीके से प्लेस करने के बाद हमें इसकी एक ट्रांसपेरेंट फाइल सेव कर लेनी है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहां क्लिक करना है, देन आपको यहां ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, यहां से इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। देन आपको इसकी एक फाइल सेव कर लेनी है। इसके लिए सिंपली आपको ऊपर यहां सेव पे क्लिक करना है, देन आपको यहां सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहां से आपको डायमेंशन पे डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक करके और यहां से नीचे अल्ट्रा सेलेक्ट करना है। देन आपको यहां सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, यहां पिक्सल ऐप से अपने चैनल नेम का टेक्स्ट बनाने के बाद आपको अपने मोबाइल पे काइंडमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। वेल गाइस, अपने मोबाइल पे काइंडमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। देन आपको यहां से एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सेलेक्ट करके यहां नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पे आपको कॉर्नर में इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहां से व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां राइट कॉर्नर में क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्लेहेड को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है। देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। यहां से जो आपने पिक्सल ऐप से टेक्स्ट लोगो बनाया था, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। वेल, अपनी गैलरी से टेक्स्ट लोगो ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहां से कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है और बड़ा करने के बाद इसको यहां सेंटर में अलाइन कर देना है। देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहां मीडिया पे क्लिक करना है। इस बार गाइज हम अपनी गैलरी से एक इंट्रो टेम्पलेट ऐड करेंगे। सो जो टेम्पलेट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूं, आपको भी ऐड कर लेना है। सो गाइज, अपनी गैलरी से इंट्रो टेम्पलेट ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहां स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है। देन आपको यहां क्लिक करके फुल स्क्रीन पे कर लेना है। फिर आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहां फिर से अपने इंट्रो टेम्पलेट को टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है। देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहां पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको हार्ड लाइट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको गाइज यहां पे अपने व्हाइट कलर वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है और इसकी लेंथ को ड्रैग करके जो हमारा इंट्रो टेम्पलेट है उसके बराबर कर लेना है। ऐसे ही हमें अपने टेक्स्ट लोगो को सेलेक्ट करना है और यहां से इसकी लेंथ को भी एंड तक कर लेना है। और टेक्स्ट लोगो के अंदर जो है, हम कुछ एनिमेशन ऐड करेंगे। सो इसके लिए सिंपली आपको यहां राइट साइड में इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको नीचे वाइप राइट करके एक एनिमेशन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को जो है टाइमिंग को 2.5 कर लेना है। सो गाइज, यहां पे हमारा जो लोगो है, सॉरी इंट्रो, वो ऑलमोस्ट बन चुका है। यहां पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहां लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहां वीडियो पे क्लिक करना है और यहां से फेड आउट को इनेबल करके यहां से इसकी टाइमिंग को 1 कर देना है। देन आपको यहां क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहां पे हमारा इंट्रो बन गया है। चलिए एक बार मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूं। यहां पे गाइज एक चीज और करना है हमें, अपने टेक्स्ट को कुछ देर के लिए होल्ड करना है और थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे पीछे की तरफ कर देना है, ताकि हमारे जो टेक्स्ट है, हमारा ये जो फायर फ्लेम है, उसके थोड़े बाद निकले। सो कुछ इस तरीके से आपको पीछे की तरफ ड्रैग कर देना है इस टेक्स्ट को
और इस टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट करके और थोड़ा सा आपको नीचे करना है ताकि जो हमारा फ्लेम आ रहा है उसके बीचों बीच हमारा टेक्स्ट आए। चलिए अब यहाँ पे फाइनल हमारा तैयार हो चुका है इंट्रो, यहाँ राइट पे क्लिक करके एक बार मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा हमारा इंट्रो काफी शानदार बन चुका है। अब हमें इसे सेव करना है। सो सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ कॉर्नर में एरो पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ से जिस भी रेजोल्यूशन में चाहें इस इंट्रो को सेव कर सकते हैं। वैसे अक्सर मैं 1080p में सेव करता हूँ। सो यहाँ से आपको 1080p सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ से बिटरेट को हाई रखना है, देन आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, होप कि अब आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल सा इंट्रो बनाना सीख गए होंगे। सो इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। चलिए मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye.